नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं देखो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज हो रहा है क्या इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू पावर साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू पावर कॉस टी ठीक है देन शो दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होता हुआ दिखेगा तो अब इसको कैसे सॉल्व करें पहले ध्यान दीजिए एक्स टी का फंक्शन है वाई भी टी का फंक्शन है तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जी तो सबसे पहले लिख लीजिए सिंस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर साइन यूनिवर्सिटी एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू दावर कॉस यूनिवर्सिटी पहले डी एक्स डी टी निकालो तो डिफरेंशियट कर दिया मैंने तो रूट अंडर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो वन अपॉन टू अंडर रूट समथिंग अब फिर ए टू दी पॉवर साइन यूनिवर्सिटी का डिफरेंशिएशन तो ए टू दि पॉवर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पॉवर एक्स इन टू लॉ तो ए टू पावर साइन यूनिवर्सिटी इन टू लॉगे साइन टी का डिफरेंशिएशन तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको अरेंज करके हम लोग लिख देते हैं तो ए टू पावर साइन यूनिवर्सिटी इन टू लॉगे अपॉन टू इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू दावर साइन यूनिवर्सिटी दिस इज देशन फर्स्ट और क्या बचा हुआ है uh, सही तो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू दावर साइन यूनिवर्सिटी सही तो है कहा टी स्क् एक्स स्क्वायर है वो तो हमने लिख दिया नेक्स्ट अब हमारे पास y क्या है नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी दावर कॉस यूनिवर्सिटी ठीक है अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सॉरी यहां पे वन माइनस एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा है वन माइनस टी स्क्वायर होगा सॉरी सॉरी ठीक है टी स्क्वायर होगा अब इसी तरह से डी वाई बाय डी टी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट ए टू दी दावर कॉस टी फिर ए टू दी दावर कॉस टी का क्या लिखेंगे सेम ए टू दी पावर कॉस यूनिवर्सिटी इंटू लॉग ए ठीक है इसके बाद कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर तो अरेंज करके लिख दीजिए माइनस ए टू पावर कॉस यूनिवर्सिटी इंटू लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट ए टू पावर कॉस यूनिवर्सिटी टी इनटू अंडर रूट वन माइनस टी सब्स्टिट्यूट कर देना है डी वाई बाय हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा कैसे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स बाय ठीक है तो आई कैन राइट हियर डी बाय डी टी क्या है माइनस ए टू दी पावर कॉस इनवर्स यूनिवर्सिटी इंटू लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स यूनिवर्सिटी इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और अपॉन डी एक्स बाय डी टी है तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा तो टू इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर इन टू अंडर रूट ए टू पावर साइन टी अपॉन ए टू पावर साइन यूनिवर्सिटी टी टू लॉग ए अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो देखो लॉग ए लॉग ए कट टू एंड टू इज कट अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर इज कट क्या बच रहा है माइनस ए टू दी ए टू दी पावर कॉस यूनिवर्सिटी इनटू अंडर रूट ए टू दी पावर साइन यूनिवर्सिटी अपॉन अंडर रूट ए टू दी पावर कॉस यूनिवर्सिटी इनटू ए टू दी पावर साइन यूनिवर्सिटी करो देखो ऊपर में पावर रूट में है और नीचे रूट में नहीं है तो आपको पता है रूट अंडर एकस एकस, तो कट के क्या हो जाता है? और क्या बच जाएगा जो ऊपर में अंडर रूट ए टू दावर कॉस टी और इसको जब कट करेंगे नीचे क्या बचेगा अंडर रूट ए टू दी पावर साइन टी ठीक है तो माइनस अंडर रूट ए टू दावर कॉस यूनिवर्सिटी क्या है वाई सो इजी अंडर रूट ए टू दी पावर साइन यूनिवर्सिटी क्या है एक्स सो आई कैन से दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्रूव्ड